ओम प्रकाश राजभर सतभतरी सतरी सत ये ओम प्रकाश राजभर सतभतरी है। शंकर सिंह चुनाव जो है 50,000 वोटों से अधिक से चुनाव जीतने। तो इस समय मऊ में हूँ और आप जानते हैं कि उपचुनाव चल रहा है घोसी में और घोसी विधानसभा में। इस समय फिलहाल में मऊ में जो है कि काउंटिंग शुरू हो गई है। लगभग 21 राउंड के करीब जो है कि हो गया है, जिसमें लगातार बढ़त जो है कि सुधाकर सिंह जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल में 58,000 वोटों से आगे चल रहे वोट जो है कि पाए हुए हैं और जो 38,000 जो है कि चौहान जी पाए हुए हैं यानी कि सुहेलदेव पार्टी से। सबसे पहले हमारे साथ नेता जी हैं सपा पार्टी के, इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। क्या लगता है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, क्या परिणाम आएगा? इसका परिणाम बहुत समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा आना जा रहा है। सुधाकर सिंह चुनाव जो है 50,000 वोटों से अधिक से चुनाव जीतने जा रहे हैं और एक भारत के लिए यह चुनाव जो है सेमीफाइनल था, 2024 का सेमीफाइनल था और इस सेमीफाइनल चुनाव को समाजवादी पार्टी जीत के रूप में लगभग हासिल करने जा रही है। जैसा कि चुनाव बताया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए के जो है कि समीप था, इंडिया नाम पड़ जाने से गठबंधन का उनको बिल्कुल जलन सी पैदा हो गई। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया नाम जो है हटा दिया जाए, लेकिन कैसे हटा सकते हैं? जिसका मेरा नाम पड़ गया, यह नाम हट सकता है कभी जनता के दिमाग से? जो नाम मेरा पड़ गया है यह पब्लिक के दिमाग से हट सकता है? यह कभी नहीं हट सकता। किसी के हटाने से कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत नाम चेंज किए हैं, नाम चेंज की ही पार्टी है। मुगल सराय का चेंज कर दिए, अयोध्या और फैजाबाद का अयोध्या कर दिए, ये यही करते हैं, ये करने का इनका ढंग है। बाकी और जैसा कि घोसी चुनाव में भी चेंज करने का, परिणाम को चेंज करने का जो है कि यह का दावा ठोक रहे थे। अभी जो है मलाई काटने वाले लोग दारा सिंह चौहान जो है आ गए, एक दल बदलू नेता हैं। हमारी भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है किसी के लिए ऐसा जो इधर से उधर, उधर से उधर जाता है तो कहते हैं लोग भोजपुरी में सतभतरी। इस सतभतरी है यानी कि ओम प्रकाश राजभर सतभतरी है। सतरी सत ये ओम प्रकाश राजभर सतभतरी है और जो है इनको जो है ये दोनों सतभतरियों को घोसी की जनता जो है जवाब दे दी है कि हम लोग जो है दल बदलुओं को नहीं स्वीकार करेंगे, हम लोग बाहरियों को नहीं स्वीकार करेंगे। यह चुनाव ही जो है घोसी बनाम दारा चौहान हो गया था और घोसी की जनता ने स्लोगन भी आप लोगों ने चलाया कि जो है कि बाहरी भगाओ देश घर बचाओ। सही बात है, बिल्कुल। हमेशा बाहर से लोग आकर के घोसी पर राज करें, घोसी की जनता का जो है वोट लें और इसके बाद वो चले जाते हैं। उनको विकास के बारे में घोसी की जनता का वोट ले लो, विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, चाहे विकास हो ना हो इससे क्या लेना देना है उनको? वो मंत्री बने विधायक, अपना तो विकास कर लिए। क्या लगता है ये इस परिणाम को देखकर? इस परिणाम को देखकर समाजवादी पार्टी की जीत निश्चिंत है और इससे आगे का भी जो भविष्य है उसका उज्ज्वल हो चुकी है।